हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में मैं ये ड्रिल मशीन को रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ, जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। गाइज, थोड़ा भी ये वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे आप लोग वायर देख सकते हैं कितने तरीके कटा हुआ है। इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंदर जो देखना, चैनल बने तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर ये जो ड्रिल मशीन है, इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रू को खोलना पड़ेगा। यहाँ जो तीन स्क्रू लगे हैं, उसमें ऑयल डाल के अच्छे से यहाँ पे स्क्रू को खोल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्रू को यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो गाइज, आगे के साइड के तीनों स्क्रू को मैंने खोल करके साइड में रख दिया है। उसके बाद गाइज, जो हमारी ड्रिल मशीन की बॉडी है, उसमें दो स्क्रू और लगे हुए हैं। तो इसमें जो दो स्क्रू लगे हुए, उसको हमें खोल कर निकालना पड़ेगा। अगर इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा क्या वायरिंग छूटा हुआ है, या फिर जो हमारा आर्मेचर है वो ख़राब हो चुका है, ये सब हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं यहाँ पर। तो गाइज, यहाँ मैं बॉडी को सबसे पहले जो ऊपर का कवर है उसको यहाँ पर खोलना पड़ेगा। हाँ, ये इधर साइड से यहाँ पर थोड़ा खुलेगा। हाँ, ये खुल गया गाइज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से खोल दिया है। इसमें थोड़ा डस्ट लगे हुए हैं, तो क्या करूँगा, बरस से इसको बहुत ही अच्छी तरह साफ कर लूंगा। तो गाइज, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से खोल दिया है। गाइज, यहाँ पे जो आर्मेचर देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉपर वायर है वो बिल्कुल भी यहाँ पे जला नहीं है, यानी हमारा जो आर्मेचर है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ड्रिल मशीन में जो वायरिंग हुए उनको में भी कोई भी खराबी नहीं है, वो भी जो वायरिंग है एकदम ठीक ठाक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो नीचे के वायर कटिंग हुए उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। लेकिन क्या, चेंज करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं कितना कचरा निकल रहा है। सबसे पहले सारे डस्ट को अच्छे से साफ कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारे डस्ट को साफ कर दिया। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा करके मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको क्लीन कर दिया है। गाइज, इसमें जितने डस्ट थे उसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। कपड़े से मैं क्या कहूँगा, जितने भी ऑयल थोड़े बहुत इसके ऊपर लगे हुए हैं, ऑयल को भी अच्छे से साफ कर लूँगा। यहाँ पे आगे में भी ऑयल डाल करके यहाँ पे जो हमारा आर्मेचर के साइड में जो गेयर लगे हुए हैं, उसमें भी अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। यहाँ पे जो हमारी ड्रिल मशीन की बॉडी है पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब गाइज, यहाँ पे जो वायर है बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ पे वायर को मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सबसे पहले मैं दो स्क्रू लगे हैं उनको भी यहाँ पे खोल लेता हूँ, और उसके बाद गाइस यहाँ पे जो वायर है उसको मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगा। गाइज, यहाँ पे जो कटे वायर थे उसको मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद गाइज, यहाँ मैंने एक मोटा कॉपर वायर ले लिया है, जो कि बहुत ही मस्त कॉपर वायर है। और इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ड्रिल मशीन भी वर्क करेगी, और ये जो वायर है जल्दी जलता भी नहीं है। तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो भी जैसी वायरिंग थी उसको मैं कर देता हूँ। ये जो स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ था उसको अच्छे से लगा करके मैं फिक्स कर देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे ड्रिल मशीन की जैसे पहली वायरिंग थी, मैंने यहाँ पे वैसी वायरिंग कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग कर दिया है, जिससे ये जो वायर है वो छूटे ना। तो यहाँ पे गाइज, उसका जो एक बॉडी का जो कवर था उसको मैंने ले लिया है। यहाँ पे कुछ तरीके से लगा करके स्क्रू से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें स्क्रू को जो है लगा करके टाइट कर दिया है। यहाँ पे जो हमारी ड्रिल मशीन की बॉडी है पूरी तरह से परफेक्टली बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइज, इसमें मैं अच्छे से इसको घिस लेता हूँ, और घिसने के बाद गाइज इसमें कलर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अच्छे से इसको घिस दिया हूँ। अब यहाँ पे जो भी हमने टेप लगाया था उसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे टेप को भी निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसमें ब्लू कलर करने वाला हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा ब्लू कलर, ये वाला जो ब्लू कलर है मैं इसके अंदर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इसमें ब्लू कलर कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो लुक है कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कलर कर दिया है। इसको कलर करने के बाद तो इसका जो पूरा लुक है वो पूरा चेंज हो चुका है। जैसा पहले ड्रिल मशीन का लुक था ये उसमें वैसा लुक नहीं है। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छी तरह इसमें कलर कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे साइड में रख देंगे। इसका जो आगे का गियर बॉक्स था उसको यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि गाइस उसमें भी बहुत जंग लगा हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत ही इसमें जंग लगा हुआ है, एकदम पुराना जैसा लग रहा है। गाइस, इसका जो गियर है इसमें थोड़ा बहुत गियर जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रीस व्रीस सब यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले जो गियर बॉक्स का आगे का पार्ट है उसको यहाँ पे मैं सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर लेता हूँ।
यहाँ पे जो हमारा गियर बॉक्स था ड्रिल मशीन का, उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके साफ कर दिया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए बहुत ही मस्त तरीके से ये साफ हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे जो ये ड्रिल चक है वो भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ पे इसको साफ करने के लिए मैं सबसे पहले ये ड्रिल बिट को आगे के साइड में लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ ड्रिल बिट को कुछ ही देर से लगा दिया है। अभी कोल्डेस्ट ड्रिल मशीन के साथ इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे जैसे ये कोल्डेस्ट ड्रिल मशीन घूमेगा वैसे वैसे ये हमारा ड्रिल चक भी घूमेगा। तो ये कुछ ही तरीके से इसको साफ करने में ईजी रहेगा। यहाँ सैंड पेपर ले लिया और सैंड पेपर से अच्छे से मैं इसको घुमा करके साफ कर लेता हूँ। तो चलिए इसको फटाफट से यहाँ पे साफ कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो ड्रिल चक है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे साफ कर दिया है गाइज। लेकिन जो अंदर के साइड में थोड़ा जंग लगा हुआ है तो हमारा जो ड्रिल चक है वो नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे ग्रीस की मदद से इसके अंदर अच्छी तरीके से मैं ग्रीस को लगा दूंगा जिससे कि ये जो हमारा ड्रिल चक है बहुत ही फ्रीली वर्क करने लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छी तरीके से मैं ग्रीस को लगा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रीस को लगा दिया है। ये देखिए गाइज कितनी स्मूथली यहाँ पे ये घूमने लगा। गाइज हमारा जो ड्रिल चक है बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना मस्त ये घूम रहा है। अब गाइज इसके अंदर हम कलर करेंगे तो गाइज यहाँ पे गोल्डन कलर करने वाला हूँ इसके अंदर। तो इसके जो ऊपर का गियर बॉक्स का जो बॉडी है उस पर मैं गोल्डन कलर करूंगा, ड्रिल चक में कलर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ड्रिल चक को मैं अच्छे से टेपिंग कर दूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने कलर कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर इसके अंदर जो गोल्डन कलर है बहुत ही मस्त दिख रहा है गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब ड्रिल मशीन हमारा पूरा बन जाएगा ना गाइस ये बहुत ही मस्त दिखेगा। सच बता रहा ऐसा लगेगा मार्केट से इसको खरीद कर लाए हैं। यहाँ पे गाइस आपको पुराने और नए में आपको कॉम्बिनेशन दिखा दूंगा कैसा लग रहा है ये अभी। तो गाइस यहाँ पे जो गियर बॉक्स है उसके अंदर भी यहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो बॉल बेयरिंग लगा हुआ है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर मैं अच्छी तरह ग्रीस लगा देता हूँ जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से और फ्रीली वर्क कर सके। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें भी ग्रीस लगा दिया है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको पीछे के साइड में लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो गियर बॉक्स है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ड्रिल मशीन में कुछ तरीके से इसको फिट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ तरीके से मैंने अच्छे से लगा दिया है। अभी तीनों स्क्रू को इसके अंदर कस लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो ड्रिल मशीन है फाइनली पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। गाइज यहाँ पे जो ड्रिल चक है उसके अंदर मैं ड्रिल बिट को यहाँ पे आगे के साइड में लगा दिया हूँ। अब गाइज इसको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ ड्रिल चक को टाइट करने के मेरे लिए इस तरीके का पाना जो होता है उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ। अगर गाइज ये ढीला रहेगा तो गाइज ये जो ड्रिल मशीन है वो वाइब्रेट भी कर सकता है और ये जो पाना है मतलब ये जो ड्रिल बिट है वो बाहर की ओर निकल भी सकता है। तो इसलिए गाइज बहुत ही अच्छी तरह इसको हमें टाइट करना है। अब गाइज ये इतना मोटा मैंने वुडन पीस ले लिया है, इसके ऊपर गाइज मैं होल करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बहुत ही स्मूथली यहाँ पे होल कर रहा है। गाइस अभी बने रहिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों में इसमें होल करके आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस इसे आप लोग देख सकते हो ये जो ड्रिल बिट है ये पुराना है थोड़ा सा, तो गाइस इसमें थोड़ा धुआं निकल रहा होगा। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा होगा गाइस ये बिट के कारण हो रहा है, क्योंकि बिट जो है वो थोड़ा सा पुराना है। नया बिट मैं इसके अंदर नहीं लगाया क्योंकि वो बिट अभी मेरे पास था नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसी तरीके से यहाँ पे जला दिया है लकड़ी को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत। तो गाइस ये बहुत ही मस्त तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे होल भी कर दे रहा है। अब गाइस यहाँ पे मैं अभी और भी चीज़ में आपको होल करके दिखाने वाला हूँ। हम लोग पीवीसी पाइप का सीट का बहुत यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये होल कर पाता है या नहीं वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पे दोनों में अच्छी तरह से होल कर दिया है। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पीवीसी पाइप का सीट होता है उसमें होल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस पीवीसी पाइप का सीट ले लिया है और इस पीवीसी पाइप के सीट में मैं यहाँ पे होल करता हूँ। बहुत ही स्मूथली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे होल कर दिया है गाइस। एक बार में गाइस बहुत ही मिनटों सेकेंडों में गाइस इसने होल कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो ड्रिल मशीन है बहुत ही फ्रीली और बहुत ही मस्त तरीके से काम कर रहा है। गाइस पुराने वाले ड्रिल मशीन जो था वो बहुत ही ख़राब था, तो मैंने इसको गाइस आपको बनाकर दिखा दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे मैंने तीन होल कर दिया है। गाइस अभी बने रहिए, यहाँ पे मैं ड्रिल ये जो पीवीसी पाइप का सीट है उसको मैं दबा बना देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर मैंने एक और पीवीसी पाइप का सीट रख दिया है। अब इसको कुछ देर से मैं यहाँ पे फिर भी होल करके दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस यहाँ पे होल कर देगा। गाइस जब इतनी मोटी लकड़ी में ये होल कर दिया तो ये दो पीवीसी पाइप में क्यों होल नहीं कर पाएगा। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दोनों पीवीसी पाइप में अच्छी तरीके से होल कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके से बहुत ही यूनिक यूनिक टूल के वीडियो मैं इस पर अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के